कि ये कौन आया है, ये अब क्या शुरू हुआ है। हाँ। वो शुरुआत मासूम जब मुंह लगा के तो अंदर आ जाना। हाँ, इनके फेस में कोई एक्सप्रेशन भी नहीं होता था, बिल्कुल ब्लैंक फेस। वाह जी वाह, बहुत सी यादें हैं आपके साथ भाई। देखो तुसी, आप बड़े आला फनकार हो दोनों, बड़े माशाल्लाह पाकिस्तान के बीच अपना नाम बनाया है और काम बड़ा अच्छा किया है। मैं तो खुद थोड़ा बड़ा फैन हाँ माशाल्लाह। साहिबा भी बहुत अच्छी फनकारा भी है और माशाल्लाह खातून भी बहुत अच्छी है और तुसी भी लकी आदमी हो यार। तू भी जाए भी नाल इंदे, देखो ना मैं नाल तो होना है, लग जे गया हूं मैं नाल, हूं मैं लग जे गया बब्बू साहब, हूं की करा मैं। चाह पीन दे यार, पियो तुसी पियो, तो तुम्हारे वास्ते ही है जी। बड़ा बड़ा अच्छा टाइम हमारा गुजरा है, बहुत से हमने स्टेज ड्रामे इनके साथ किए हैं, आपने मैंने बहुत ज्यादा फिल्मा कीतियां ने जी असी, फिर नाल साडे नाल बड़ा तुम्हारा मेरा एक गाना मैनु नहीं भुलदा जी, जेड़ा ओ तुसी तो मेरे ना ब्याह कर ले। नहीं तुसी थानेदार बने हो। अच्छा। और मैं मैनू किसी केस ही तुसी फड़ के ले जांदे हो। अच्छा। ओ गाने दियां अस्थाइयां सन 7-8, ओ मैं फिल्म दा नाम याद नहीं आ रहा। और मैं तुहानू कोई चक्कर दे के गाने शाने कर करा के विच कुड़ी दा गेटअप भी करके ते मैं उत्थों दौड़ जाना कोई, और तुसी फिर मुअत्तल हो जांदे हो। ओ मैनू फिल्म दा नाम याद नहीं आ रहा, चलो ज़हन च आएगा तो होएगा। अच्छा, फिर तुसी माशाल्लाह लिखना भी शुरू किया, फिर डायरेक्शन शुरू किया। लिखना इस वास्ते शुरू किया कि देखो जी, जदों पहले दौर यह गया सी कि मान लो साहब नूं सारे पै जांदे हुंदे सन ते अद्धा अद्धा घंटा उन्होंने जुगतां हुंदियां रहिंदियां। हाँ जी, इस गल नूं हुण 20-22 साल गुजर चुके सन और बड़े ही काम चलिया सी, लोगों ने बहुत मज़ा लिया इस गल का। बिल्कुल, आखिर ये कम पुराना हो गया, लोग कह लग पे ओ यार जुगतां बंद करो अगे चलो। अगे चलो ने ना मैनू आपको आगे चलाया है क्या? आपके आगे सोचने पे मजबूर किया? सोचने पे मजबूर किया कि भाई आगे चलो वाली कहने ने, पब्लिक कहनी अगे चलो, अगे की करिए, तो कोई ऐसी स्टोरी लिखो कि जिहड़ी अगे भी चले ते ये जुगतां भी प्रॉपर होंदियां रहन, वाह, ते अगे भी चलता जाए। वो फिर मैनू, मैं कहा मैं ड्रामा खुद लिखा, वो फिर मैं ड्रामा लिखना कुछ ना कहो सी पहले, कुछ ना कहो वो प्लानिंग सी, लेकिन लिखना पिया पहले शर्तियाँ मिठे। अच्छा। हाँ, वो शर्तियाँ मिठे जनाब लिख दिता अल्लाह पाक दी रहमत जनाब। मस्ताना साहब ने सुहेल नूं शिकायत ला दिती, उन्हें कहा इन्हें एक ड्रामा लिखा, उन्हें कहा कढ़ो ड्रामा। अच्छा। मैं कहा भी मैं अपनी भैन भी आनी ने कि मैं पहले वो ड्रामा मैं खुद करना चाहना तो इंज तो। अच्छा। है तो उन्हें कहो जो भी आनी होगी जाएगी तो खैर उन्हें ड्रामा लॉन्च कर दिता। वो फिर शर्तियाँ मिठी हो तो साहिबा जी एंट्री समझो कि सोने से सुहागा आ गई, न्यू गर्ल सी और बड़ी मशहूर सी, निशोधित लोकी वेखन आए, लोकी वेखन आए ने अगे तूफान आए असि ड्रामा भी कमाल ड्रामा जुड़ गया। मुझे गल ये याद पड़ता है कि स्टेज तक लोग बैठे होते थे सीढ़ियों में तो दूर की बात है, और आधे फनकार हुआ करते थे और वजीर हुआ करते थे। बिल्कुल। और बड़ी अच्छी सिचुएशंस थी उसमें, सिर्फ ये नहीं था कि एक बंदा खड़ा होकर बोल रहा और कॉमेडी किया। पाकिस्तान की स्टोरी थी, मैंने ये उसमें कोशिश की थी अपनी तहरीर में कि भाई हम अब एटम बम होल्डर हो गए हैं, यानी कि पिस्तौल हमने हाथ में पकड़ ली, अब हम मांगना बंद कर दें, या तो छीन लें नहीं तो पिस्तौल परे रख दें, ठीक है ना। तो ये है कि उसमें ये भी था कि अपनी औलादों का ख्याल रखें, फिर ये भी था कि अपने आवाम जो है वो तालीम सिंध ही है। बिल्कुल। और उसके हुक्मरान को वो सोचना चाहिए, मंगवाना नहीं चाहिए हमें, बल्कि कोई हुनर सिखाना चाहिए, पूरे मुल्क को सही करना चाहिए, अपने बलबूते पे हम हो जाए। तो उसमें बड़ा मैसेज था, उसमें बड़ा मैसेज था। लेकिन क्या एंटरटेनिंग प्ले था, क्या बात है। हाँ बिल्कुल, वाह वाह, एंटरटेनमेंट। फिर इन्ना तुहानू उस तो इन्ना थिएटर वो चलिया जी कि उत्थे फिर एक रिकॉर्ड बनया है कि जी एक स्पैल, दो स्पैल, तीन स्पैल, चार स्पैल, उत्थों सिलसिला शुरू होया सी। बिल्कुल। और इस तो बाद फिर तुसी करोड़ों रुपए एक्साइज गया इसी कहां, करोड़ों रुपए एक्साइज गया, और इसी फिल्म तो तुसी फिर इसी ड्रामे तो मुतासर हो गए, तुसी फिल्म
अनाउंस की थी तो फिल्म की गल करांगे आके ब्रेक तो बाद क्योंकि तुसी भी जरा चाह शाह पी लो ठंडी हो जाए तो असी अपने देखने वाले भी कहें तुसी भी जरा चाह शाह लैके अच्छ जरा आ जाओ टीवी के सामने ब्रेक हो रही है तो फिर ताकि कोई गल मिस ना हो बब्बू बराल साहब बैठे हैं कमाल गल्लां कर दियां कमाल सुबह बखैर जिंदगी आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद पाजी भेजते रहो अपना चैनल अपना तो फिर अपना ही आंदा है जी Again, you are watching Morning with Rembo and Saiba, और हमारे साथ हैं बब्बू बराल साहब, the great बब्बू बराल साहब, stage king, जी, great मेरे देखने वाले ने जिन्होंने मुझे great बनाया है, क्या बात, जिहड़े वाकई great ने, साड़ी आवाम जिहड़ी है वो बड़ी सुलझी आवाम है, क्या बात है, मैं जो भी बारीक काम किया है, साड़ी आवाम ने समझे है और बड़ा मजा लिया है, अच्छा गल हो रही थी फिल्म दी ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ ਫਿਲਮ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਰਤੀਆ ਮਿੱਠੇ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੁਆ ਸਕਦਾ ਸਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਤੋ ਇਵੇਂ ਕਿ ਬਸ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਰਹਿਮਤਾ ਕਰੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਮਾਰਾ ਫਿਲਮ ਵੀ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹਾਂ ਅਗਰ ਸ਼ਰਤੀਆਂ ਮਿੱਠੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਮ ਤੇ ਅੱਛੀ ਬਣੀ ਸੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਉਹ ਫਿਲਮ ਪਸੰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਬਸ ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਹ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਜੀ ਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਜਾਣਾ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਬੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਲਕਾ ਮਚਾਇਆ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਉਰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਨ ਉਹ ਬੱਬੂ ਬਰਾਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬੜਾ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਉੱਥੇ ਦੁਬਈ ਗਏ ਹੈ ਜੀ ਏਡੇ ਏਡੇ ਹੀਰੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੈਂਬੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਾ ਸਾਹਿਬਾ ਬਸ ਨਹੀਂ ਆਪਕੇ ਚਾਹਨੇ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਤੇ ਹੈ ਆਪਕੋ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਔਰ ਹਮਸੇ ਅਭੀ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੋਂ ਜਬ ਆਪਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਤੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕਹਾਂ ਹੈ ਬੱਬੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਧਰ ਨੇ ਕੀ ਬਸ ਖਬਰ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਉਹ ਬੱਚੇ 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 ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਠੀਕ ਨੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਹਾਲੇ ਛੋਟੇ ਹੀ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਏਡੇ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਏਡੇ ਮੈਂ ਲਾਇਕ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਬਸ ਇੰਝ ਜੀ ਬੇਵਕੂਫ ਜਿਹਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਆਪਕੀ ਬਹਿਨ ਕੇ ਬੱਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਕੇ ਭਾਂਜੇ ਭਤੀਜੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈ ਸਾਹਿਬਾ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਭਾਂਜੇ ਨਾ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਭਾਂਜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੂੰਗਲੀ ਮੂੰਗਲੀ ਨਾਮ ਲੈ ਜ਼ਰਾ ਭਾਂਜੋ ਕੇ ਨਾਮ ਲੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਖਣਗੇ ਮੂੰਗਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਂਜੀ ਹੈਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੰਦਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੰਝਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਚਾਂਦ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਇਤਨੀ ਖਿਦਮਤ ਇਸੇ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਦਮਤ ਤੋਂ ਆਪਕੇ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ ਥੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ